हेलो गाइस, आज मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। तो हम बनाएंगे आज कटहल की पकौड़ी। तो आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी पकौड़ी है। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैंने 200 ग्राम कटहल लिया, उसको अच्छी तरह से छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उबाल लिए। फिर ठंडा होने के बाद इसको निचोड़ लिए। बेसन मैंने डाला, उसमें कटहल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं डालेंगे पहले, फिर हम डालेंगे इसमें करी के पत्ते, मिर्च, पिसा हुआ मिक्स नमक, हल्दी और हींग डालेंगे। पानी की सहायता से इसको धीमे धीमे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए पेस्ट को रख देंगे। तो ये कटहल की पकौड़ी गर्मियों के सीज़न में बहुत ही अच्छी लगती है। हमें चाय के साथ इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए और सभी लोगों को खिलाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम गैस जलाएंगे और तेल डालेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम पकौड़ियों को चुवाएंगे और फिर धीमे धीमे इसको पलट देंगे। अब ये पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने। तब तक के लिए बाय बाय।